आज आ रहा है एक मैच ब्लॉग, देख सकते हो काफी फॉगी है, काफी विकेट भी हल्का गीला है, वो रीजन बहुत बड़ा है। सिंगापुर की टीम आ चुकी है। सो मैं ग्राउंड का लोकल बॉय, कितना रन मारेगी यहाँ से एंड क्या लगता है किस तरह से बॉलिंग चल रही है? बहुत ही स्टेबल इनिंग चल रहा है। हाउ मच योर सेंचुरी? लेट्स टेक द लंच। बिट्टू भारती गिविंग सम मोटिवेशन टू डैनियल, सिंगापुर प्लेयर, गुड जेस्टर। इट्स लाइक यू आर देयर, you're there to play well, and then that paid off. The century, but badly spent time on the wicket, we'll get the run. Yes, I thought the same. ये हमारे जो groundsman होते हैं काफी मेहनत करते हैं cricket. Good morning everyone, welcome back to my YouTube channel. So this is Mahesh from GH05 and भाई आज है संडे और आज आ रहा है एक मैच व्लॉग। सो लास्ट दो तीन वीडियो आप लोग ने देखा होगा, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सिंगापुर से टीम आई हुई है एंड हम लोग सिंगापुर टीम से जुड़े हुए हैं। तो टीम आई हुई है, मैच चल रहा है और आज भी मैच है और संडे, तो सोचा आप लोग को अपने साथ रखा जाए, आज मैच व्लॉग लेकर के आ रहा हूँ। एंड देख सकते हो मेरे साथ है मॉडर्न डे क्रिकेट के उमंग सेठी भाई एंड पीछे वेद प्रकाश पांडे जी। सो जनरली यू गेट टू सी दैट व्हेन एवर आई ब्रिंग मैच ब्लॉग, मेरा मैच होता है मैं खेलता हूँ, लेकिन आज जो मैच है वो एक्चुअली जो बच्चे लोग आए हुए हैं उनका मैच है, जैसे कि आज KRS सिंगापुर वर्सेस एग्रिको सिक्स क्रिकेट एकेडमी का मैच है, ठीक है। तो देख सकते हो हम निकल चुके हैं एंड देख सकते हो काफी फॉगी है, सुबह सुबह का टाइम है, अभी 8:30 होने वाला है, 9 बजे रिपोर्टिंग है। एंड गाइस हम लोग फोर्थ गियर में चला रहे गाइस, गाड़ी फोर्थ गियर में एंड ज्यादा स्पीड नहीं, 60 का स्पीड है, ठीक है। अगर 100 कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी लेट हो गए हैं, महेश भाई ने थोड़ा सा लेट करा दिया हमें, तो 100 करना पड़ेगा, यहाँ पर स्पीड है ना, ठीक है, बट सेफ ड्राइव। जय माता दी, जय माता दी गाइस। सो वी आर ऑन द वे फॉर टेलको ग्राउंड एंड जैसे कि दो मैच हो चुका है, पहले ही मैच में भाई एक बैट्समैन ने मतलब सेंचुरी बना दिया एंड ऑल क्रेडिट गोज टू द बैटिंग स्पेशलिस्ट उमंग भाई, बहुत अच्छा टिप्स दिया था आपने उनको प्रैक्टिस में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट। एंड आपने भी बहुत ही शानदार टिप्स दिया था सिंगापुर टीम के स्पिनर को, जिसने कल 5 विकेट लिया, एंड आप समझ जाओ यार 5 विकेट कोई बंदा अगर इंडियन टीम के अगेंस्ट ले रहा है बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि लो स्कोरिंग मैच था, लो स्कोरिंग मैच में 5 विकेट लेकर उसने बहुत चैलेंजिंग मैच बना दिया। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू महेश माही, क्योंकि स्पिनर ने खुद आकर महेश को कहा कि भैया आपने जो टिप्स दिया था मैच के पहले वो एकदम वर्कआउट कर गया, तो भाई सब्सक्राइब कर लो टिप लेते रहो। या इट वाज गुड एंड हमारा टारगेट ही यही है कि सिंगापुर जो यंग टीम आई है जितना कुछ हम उन लोगों को गाइड कर पाए और हम लोगों का जो टिप्स है, अगर वो लोग क्रिकेट में कुछ इंप्रूव हो तो बहुत बड़ी बात है हम लोग के लिए। आगे चल के शायद ये हो सकता है, बात चल रही है कि टाई अप होगा KRS सिंगापुर और ACCA के बीच में। सो जो फैसिलिटीज प्रोवाइडेड किया जा रहा है सिंगापुर में KRS के द्वारा, हो सकता है कि वो फैसिलिटीज वो लोग के द्वारा यहाँ भी प्रोवाइड किया जाए, वो लोग का मतलब एक ब्रांच टाइप का खुलने का कुछ यहाँ सेटअप हो रहा है, अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि KRS यार ग्रेट अकेडमी, दे आर वर्किंग फॉर देयर प्लेयर्स, वेरी गुड। सो फाइनली वी हैव रीच्ड, अभी यहाँ पर हम लोग करेंगे पार्किंग। उमंग भाई गुड सेफ ड्राइव, थैंक यू। सो फाइनली आफ्टर कवरिंग 15 किलोमीटर फ्रॉम माई हाउस वी हैव रीच्ड द ग्राउंड। और उमंग और अंकित भाई ऑल सेट, आर यू एक्साइटेड फॉर टुडेज मैच? यस डेफिनेटली आई एम एक्साइटेड। देख सकते हो काफी फॉग है, काफी ज्यादा फॉग है ग्राउंड में। देख सकते हो काफी ड्यू है, पूरा गीला ग्रास है। अभी चलते थोड़ा सा विकेट देखते हैं क्या है क्या नहीं, एंड जैसे कि मैं बताया था कि संडे है, यहाँ पर बच्चे लोग खेल रहे हैं, थोड़ा प्रैक्टिस चल रहा है, आपको सारा कुछ दिखाते हैं। आज ट्रेनिंग चल रहा है सारे बच्चे लोग का, यहाँ पर एक एकेडमी भी चलता है देख सकते हो, यहाँ पे इधर भी चलता हुआ प्रैक्टिस सारे बच्चे लोग का, एंड इधर नेट साइड देख सकते हो, एंड ये रहा मैच विकेट, इस विकेट पे ही मैच होगा, एंड देख सकते हो साइड टर्फ में मैच चलता हुआ, हम लोग भी अब छोटे थे तो साइड टर्फ पे बहुत मैच खेलते थे प्रैक्टिस के टाइम। हमारा जो किनन स्टेडियम था वहाँ पर भी ऐसा साइड टर्फ में मैच दिया जाता था, एंड उधर देख सकते हो नेट सेशन चलता हुआ, एंड देयर यू कैन सी आई थिंक इट्स या इट्स काजल सर एंड आई थिंक इट्स मिलन सर ओवर देयर। एंड विकेट भी हल्का गीला है क्योंकि ठंडा का मौसम है तो वो ज़्यादा गिरता है।
थोड़ा गीला है अभी। सो अंकित, अगर हम लोग पवेलियन एंड से बैटिंग करते हैं तो कौन सा एंड सबसे बड़ा होगा यहाँ से? लॉन्ग ऑन एंड, सो पवेलियन एंड से देख सकते हो लॉन्ग ऑन का एरिया सबसे बड़ा है। ठीक है, चलो अभी इधर आ जाते हैं हम लोग। पवेलियन एंड के अपोजिट से बैटिंग होगा, तो ये एंड में सबसे बड़ा कौन सा बाउंड्री है भाई? ये एंड भी सेम जा रहा है, मतलब लॉन्ग ऑन एंड ज़्यादा बड़ा लग रहा है, जो कि हमारा पवेलियन है। बहुत बड़ा है वो, ये रीजन बहुत बड़ा है। हाँ। और सबसे स्मॉल कौन सा एंड रहेगा? सबसे स्मॉल तो कवर लग रहा है यहाँ से। कवर ना, राइट, कवर स्विमिंग पूल के लिए यहाँ से छोटा है। सो सिंगापुर की टीम आ चुकी है, बस हैज अराइव्ड एज यू कैन सी। हमारा सुमित पांडा, गुड मॉर्निंग बिट्टू भैया, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सचिन भैया, हाय। फुट टीम डूइंग सम वार्म अप एंड एज यू कैन सी the batting specialist over there, Umang Sethi, and me, the throwdown specialist, and the team officials, trainer. Who's the captain today? Aditya, right? Okay. Big request, Vicks Cricket Academy ka warm up chalta hua. So now all set, dekh sakte ho, stumps bhi lag gaya hai. And hamare aaj ke do jo official umpires hai, wo hai Ravi Ranjan Jha bhaiya एंड दीप पॉल चौधरी भैया, बोथ आर वेरी वेरी सीनियर अंपायर। थर्ड मैच टॉस, हेड इज द कॉल, इट इज हेड, बैटिंग। एग्रीकोसरीज वन द टॉस एंड दे इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। चल आज वहां से फोटो ले ले, विकेट देख सकते हो। दो दिन मैच हो चुका है, हल्का क्रैक से थोड़ा गीला भी है। एंड एग्रीको सिविक्स ने टॉस जीत के बैटिंग ले लिया है, सो देखते हैं कितने रन एग्रीको सिविक्स बना पाती है। देखो सिंगापुर टीम की पहले फील्डिंग आई है, सो उमंग भाई ये लोग को थोड़ा कैच मारते हुए क्योंकि जरूरी है। सो यहाँ से साइड स्क्रीन के ऊपर से लाइव का सेटअप है, यहाँ से लाइव चलेगा मैच, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे मेरे चैनल पे। इससे पहले दो मैच लाइव स्ट्रीमिंग हो चुका है, यहाँ से सेटअप कर दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर जितने भी मैचेस होने वाले हैं सारा मेरे चैनल पे लाइव आपको देखने को मिलेगा। एंड यहाँ देख सकते हो फील्डिंग टीम KRS सिंगापुर की टीम गेटिंग रेडी। द कोच ऑफ टीम सिंगापुर सचिन भैया गाइडिंग देम। सो जैसा कि लाइव स्ट्रीमिंग मेरे चैनल पर चल रहा है एंड कमेंट्री भी थोड़ा बहुत मैं ही कवर कर रहा हूँ। वेरी वेल बोल्ड एंड वेरी वेल प्लेड बाय अक्षर। देख सकते हो मैच स्टार्ट हो चुका है एंड दोनों ही ओपनर्स एग्रीको सिविक्स क्रिकेट अकेडमी के बल्लेबाजी करते हुए। अभी स्ट्राइक पर है कैप्टन अवनीश, आर एफ टू अवनीश, काफ़ी अच्छी गेंद ऑफ स्पिन के बाहर जाने दिया। तो चलिए अब आप लोग को जहाँ से लाइव हो रहा है वहाँ से व्यू दिखाते हैं। देख सकते हो यहाँ से चलते हुआ हमारा लाइव स्ट्रीमिंग, अभी यहाँ से देखिए ये व्यू, वेरी वेरी क्लियर। तो ये जो फ्रेम आप देख रहे हो ना, ऐसा फ्रेम आपको बोर्ड मैचेस में मिलता है, जो बोर्ड मैचेस का रिकॉर्डिंग होता है स्टेट लेवल मैचेस का, वो साइड स्क्रीन के ऊपर से एकदम किया जाता है। ओवर कंप्लीट हो चुका है एंड मैच को एनालाइज करने यहाँ पर आ चुके हैं मॉडर्न डे क्रिकेट के उमंग भाई भी यहाँ से मैच। सो भाई यहाँ से मैच का व्यू कैसा लगता हुआ? बहुत गजब लग रहा है यार, हॉक का व्यू, मज़ा ही आ जा रहा है। देखो मेरी नज़रों से देखो मैं किस तरह मैच देख रहा हूँ ना, मज़ा ही आ जा रहा है। और एक चीज़ आप देखो, यहाँ से कितना अच्छा लग रहा है, नीचे तो उतना मज़ा नहीं आ रहा, ऊपर से और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। इससे हम क्या सीखते हैं? इससे हम ये सीखते हैं कि ज़िंदगी में आप जितना ऊपर जाओगे उतना आपको ज़िंदगी हसीन और सुंदर दिखेगी। ज़िंदगी में ऊपर जाओ, हो गया, पॉइंट टू बी नोटेड फॉर द लाइफ टाइम फिलोसॉफिक। और देख सकते हो ये हमारा सुंदर सा टेलको ग्राउंड। सो अभी भी 100 रन कंप्लीट हुआ है एंड लेग स्पिनर बॉलिंग टू अवनीश, देखिए आप लोग भी।
अच्छी फील्डिंग लॉन्ग ऑफ की दिशा में। अभी स्ट्राइक पर है राजवीर कुंडू, जिनको मैं भी अक्सर ट्रेनिंग करवाता हूँ। अच्छी शॉट, 4 रन के लिए खेल दिया है राजवीर ने। बढ़िया राजवीर कुंडू, खेलते रहो। चलिए अब आप लोग को साइड व्यू दिखाया जाए, शौर्य बॉलिंग टू अवर राजवीर कुंडू, द लोकल बॉय राजवीर कुंडू इन स्ट्राइक। एंड खेलते ही 2 का कॉल किया है, बट फील्डर आ चुके हैं, सो 2 रन नहीं होगा। अब स्ट्राइक पर होंगे अवनीश। सो मैं ग्राउंड का चक्कर मार रहा हूँ, पूरा 1 राउंड मार के पूरा मैच का व्यू देख रहा हूँ एंड प्लेयर्स लोग को गाइड भी कर रहा हूँ, सारा कुछ आप लोग को भी क्लिप दिखाता हूँ साइड एंगल से। सो इधर से देख सकते हो काफ़ी क्लीन व्यू आ रहा है। ऑफ स्टंप के बाहर अच्छी बॉल, यहाँ से अच्छा व्यू लगता हुआ देखिए टेलको ग्राउंड का व्यू। भाला बॉलिंग टू द लोकल बॉय राजवीर कुंडू, राजवीर कुंडू द लोकल बॉय, आउटसाइड ऑफ स्टंप प्लेड वेरी वेल एंड दैट्स अ बाउंड्री, गुड एफर्ट बाय द फील्डर बट अनेबल टू स्टॉप द बाउंड्री। वेरी वेल बोल्ड राइट नाउ बिहाइंड द साइड स्क्रीन। तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाते हैं, देख सकते हो यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए नेट्स भी है टेलको ग्राउंड में, देख सकते हो ये प्रैक्टिस टर्फ है एंड बगल में 3 सीमेंट विकेट है एंड उसके बगल में भी एक टर्फ विकेट है। आरव, हाउ मेनी ओवर्स यू बोल्ड? 4 ओवर्स। एंड जिस तरह से मैं राउंड मार के मैच को एनालाइज कर रहा हूँ, यहाँ पर हमारे मॉडर्न डे क्रिकेट के उमंग भाई भी है, जो कि फ़ोन में स्कोर देखते हुए साथ ही साथ प्लेयर्स लोग को गाइड करते हुए आउटसाइड द बाउंड्री, गुड स्पिरिट। सो उमंग भाई, 20 ओवर होने में 2 ओवर बचा है एंड स्कोर 100 हो चुका है, 100 for 2 विकेट्स, व्हाट डू यू थिंक? एग्रीको सिक्स कितना रन मारेगी यहाँ से एंड क्या लगता है किस तरह से बॉलिंग चल रही है? बहुत ही स्टेबल इनिंग चल रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा विकेट टेकर्स को लेना पड़ेगा चार्ज यहाँ पर, सिंगापुर को विकेट्स निकालना बहुत ज़रूरी, क्योंकि अगर ऐसा चलता रहा तो बहुत अच्छे स्कोर्स बन सकते हैं, सो विकेट लेना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। वो चहल वाला होता है ना, ब्रेक थ्रू आके दिलाना, वो एक बॉलर चाहिए। एंड फॉर सिंगापुर एज वी कैन सी फ्रॉम बोथ द एंड लेग स्पिनर्स आर बॉलिंग राइट, वन इज आई थिंक वन इज पार्ट टाइमर एंड वन इज जेन्युइन बॉलर राइट। हाँ, सबसे अच्छी बात है कि सिंगापुर बॉलर्स को पता चल चुका है कि ये पिच स्पिनर्स के लिए बेस्ट है, इससे उस हिसाब से दोनों तरफ स्पिनर्स ही लगा रहे हैं, तो अच्छा रीड कर रहे हैं। या ओके, लेट्स सी, आप लोग को बताते हैं फर्स्ट इनिंग के बाद कितना स्कोर बना है। तो ड्रिंक्स ब्रेक, देख सकते हो ड्रिंक्स हो चुका है एंड चलते हैं थोड़ा सा बात किया जाए। हाउ इज द विकेट बिहेविंग राजवीर? द बॉल इज बीइंग लो सो मच। हाउ मच यू हैव स्कोर्ड राइट नाउ? 30 something 30। एंड यू केम न्यू टू द क्रीज राइट? यस। सो बोथ द बैटर्स, बोथ द न्यू बैटर्स, ओपनर्स आर गॉन टू पवेलियन एंड देयर इज वी कैन सी फील्डिंग टीम। देख तो ब्रेक में एग्रीको सिविक्स के बिट्टू भारती गाइड करते हुए बैटिंग को एंड यहाँ पर सचिन भैया सिंगापुर के कोच गाइड करते हुए KRS टीम को। राजवीर कुंडू आफ्टर स्कोरिंग हाफ सेंचुरी। This instruction was given by Umang Sethi. Good effort. Throw. Good backup there. Daniel bowling. Show that appeal, but it was missing the leg stump. Very good bowling. Feeling well? Yeah, I feel okay. Okay, so last 2 days, what do you do? Yeah, I was just like resting. सो इट वॉज अ नो बॉल, सो फ्री हिट दिखाया जाएगा आप लोग को। फ्री हिट हमारी तरफ ही खेल दिया है, फील्डर मौजूद, फ्री हिट में रन आउट होता है, बच गया, 2 रन मिलेगा। लास्ट ओवर गोइंग ऑन, वेरी वेल प्लेड, बाउंड्री। लास्ट बॉल,
स्वीप किया है, अच्छी फील्डिंग। इसी के साथ इनिंग ओवर, 50 ओवर्स कंप्लीटेड एंड एग्रीको सिविक्स जमशेदपुर स्कोर्ड 327। So what is your point of view? 327 भाई बहुत ही बड़ा टारगेट है इस विकेट में, तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है, इतना तो एक्सपेक्ट नहीं किए थे, बट लेट्स सी, होपफुली एक फाइटिंग मैच देखने मिले हमको। सो नाउ इट्स टाइम फॉर लंच, तो चलते हैं आपको अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं कुछ बहुत स्पेशल स्पेशल डिश मिल रहा है हमको लास्ट कुछ दिन से, जो कि टेस्टी तो है बट समझ में नहीं आ रहा क्या क्या है। Let's take the lunch. Adhika, so this is the veg part, and this is veg, and this is what, boiled vegetable, right? So this is our lunch, देख सकते हो सारा कुछ दिखाया सिंगापुर स्टाइल, and the players are doing over here. Done with lunch, enjoying real juice, pineapple. Second inning about to start. These are the opener Sri Hari and Captain Aditya. Fielding team getting ready. Chasing 328. Ayush to Aditya. The captain. Very well bowled, very well played. Next batter, Sri Bala going for Singapore. Captain is out. Bala. Ravi bowling. And played in third man for single. Very well played for one run. Bittu Bharti giving some motivation to Daniel, Singapore player. Bittu Bharti, he is coach of Agrico Civics Cricket Academy. Good gesture, good to see. So, बस थोड़ी देर में मैच खत्म होने वाला है। Agrico Civics ने जैसे 327 मारा था, ये लोग का सिंगापुर का भी 8 विकेट गिर चुका है, 2 विकेट बचा है। तो अभी मैं आ गया हूँ जहाँ से लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है, यहाँ से जैसे ही ऑल आउट होगी सिंगापुर की टीम फिर मैं सारा सेटअप लेके नीचे जाऊँगा। प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है वहाँ पर, जो भी अच्छे परफॉर्मेंस किए प्लेयर से बात किया जाएगा, आप लोग को भी दिखाया जाएगा। थोड़ा सा वेट करिए और अभी यहाँ से व्यू दिखाते थोड़ा बहुत। देख सकते हो चिन्मय बॉलिंग करते हुए, अच्छी गेंद, अच्छा टर्न मिला उनको, काफ़ी अच्छी गेंद थी। लास्ट बैट्समैन बैटिंग करने जाते हुए अनिकेत, और इसी के साथ एग्रीको सिविक्स ने ये मैच को जीत लिया आसानी से। दिस फैंटास्टिक, सो डोंट सी एज ए लाइक यू आर लूजिंग और यू आर नॉट विनिंग, यू आर नॉट परफॉर्मिंग, इट्स लाइक यू आर देयर टू प्ले एंड यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। एग्रीको सिविक्स टीम वार्मिंग अप। First of all, it was a tough match, you lost the match, but you took 3 wickets, so say something about your bowling. So, when I started bowling, I saw that I was keeping my length really bad, I was bowling full tosses, so I tried to keep my pace off and keep the length well, and then that paid off. They got a very good start, they were without loss, they were scored I think 40 or 50 runs, and you took the first wicket, so what was the planning after that? To continue taking wickets and then keeping them at a low total so then we can chase it down easily. Now I would like to call Rajveer Kundu. First of all, let's play 55 runs. Thank you, sir. So what was the planning? You went one down, right? You got a very good start. Both the openers did their job almost. So what you were thinking? I thought I should score a century, but bad luck. So I was playing in 53 or 55 and I got out. Yeah, from outside we were watching your inning, it was like no one is there to take your wicket. I think you've thrown your wicket. What do you think about it? Yeah, I played toss. Yeah, your shot selection was not right. Okay, well played. Good luck for the next match. Thank you, sir. Now I would like to call the captain of Singapore, Aditya. What do you think, where you lack? I think today
even from the start, the opening batsmen of the other team, they did really well. They capitalized on the bad balls. And our fielding was also quite lacking, a lot of extras early on. We tried to make a comeback after the first innings break, and I think the momentum was high, there were a few quick wickets. But after that also the batsmen did very well on capitalizing the bad balls. Before the toss, I asked if you win the toss, what would you like to do? So you wanted to field and you got that. So what do you think, 327 runs, and what do you think about it? So, I mean, 327 runs is a mammoth target, it's a lot of runs. We conceded a lot of extras, but after we talk to this, our coaches tell us once one of the innings is over, we forget about it, we focus on the next one. We focus on playing our cricket, our basic. Don't need to think about the target. As long as we spend time on the wicket, we'll get the runs. And that was the plan going in, but unfortunately that didn't go to plan today. Hard luck, what do you want to give for feedback about the opponent team? What do you see in their team and what do you see in your team? Right, so I mean, well played to the opponent team, they played really well. Definitely when we come here, we're here to learn a lot of things. And I think today all of them, they showed us many things that we can learn from, you know, batting, bowling, in whatever department, even the mindset when you take on. So we're not very used to playing 50 over formats, we usually stick to 20. But showing the temperament, how to build an innings, there's a lot of things we learn. Yeah. Hope so. All the best. Hope so you learn from here. And now I would like to call at last Amlan Siri Shashmal, the man of the match of this match. So good with the bat, good with the ball. Tell me, first of all, tell when you went to bat. Rajveer was very set. So what was your planning and have you thought of scoring 300 plus? Yes, I thought the same. Rajveer was playing very good single, so I thought I should give him single. So strike rotated, so me and Rajveer had a good partnership. Yeah, you were hitting the ball very cleanly. I saw some sixes from your bat. So did you feel bad that you missed your half century? Yes, it was a good wicket for bat. Little bit of spinner side, but I thought I can score more. Yeah. Next time we hope you do well. And now I will talk about your bowling. Your bowling is quite accurate. I have seen you before also bowling. So what you would like to tell about your bowling? It was a bowling wicket, obviously. So I thought to bowl in the spot and got the wicket. And we have noticed that you are not turning the ball actually. You are keeping it simple, very stump to stump you would land it. Yes, the ball was spinning little bit and सो आज का मैच खत्म एंड कल का मैच के लिए विकेट पे पानी डाला जाता हुआ. ये हमारे जो ग्राउंड्समैन होते हैं काफ़ी मेहनत करते हैं क्रिकेट मैच करवाने में, इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहता है. ऑल डन, प्लेयर्स हैव डन देयर पैकअप. अभी थोड़ी देर में सारे लोग निकलेंगे, मैं भी निकलूँगा. सो ऑल द टास्क डन फॉर द डे, जो कुछ पॉसिबल हो पाया इस ब्लॉग में आप लोग को दिखाया. इट वॉज अ गुड मैच, एग्रीको 6-1 वन साइडेड. सो उमंग भाई, मैच एंडेड, हाउ वाज योर डे, हाउ वाज एक्सपीरियंस? बहुत मजा आया भाई. आदत नहीं है यार, मतलब ऐसे खड़े रहने का, क्योंकि खेलने में ज्यादा मजा आता है. पर फिर ठीक है, मतलब मजा एक्सपीरियंस शेयर करने में अच्छा रहा. थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट चाहिए सिंगापुर टीम को, पर ओवरऑल अच्छा कर रही है, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है. So our motive is that कि वो लोग यहाँ जरूर कुछ सीख के जाए. ओके गाइस, बहुत जल्द मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में. एंड तब तक चैनल सब्सक्राइब करना एंड उमंग भाई का मॉडर्न डे क्रिकेट को भी सब्सक्राइब करना अगर नहीं किया है तो. ओके गाइस, सी यू सून एट माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन प्रैक्टिस वेल एंड यस परफॉर्म एट द राइट प्लेस. गुड बाय, टेक केयर, स्टे सेफ.